हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपना टूल किट्स दिखाइए कि आप कौन कौन सा टूल यूज करते हैं डिस सेट करते समय, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि मैं कौन कौन सा टूल यूज करता हूँ अपने काम में यूज में लेता हूँ, जो कि मैं डिस सेट करता हूं और इलेक्ट्रॉनिक के कई सारे काम करता हूं तो मैं यूज करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरे पास टूल किट होते हैं बैग, उसमें क्या क्या चीज़ रखता हूं मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार आए हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बाजू में जो बेल आइकॉन है ऑल वाला उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस पर नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और मैं आपको इस बॉक्स टूल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ज़्यादा बड़ा थैला नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वजन होता है इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें स्क्रू ड्राइवर होते हैं जो कि कई तरह के होते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे टपारिया का है और इसमें कई साइज के अलग अलग स्क्रू ड्राइव हैं। तो एक हैंडल है, बाकी जो विट हैं इसके कई तरह के हैं, ठीक है। तो इसका यूज करता हूं मैं क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं तो वजन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं कोई एक ही यूज करता हूं। उसके बाद दोस्तों, ये प्लायर है और ये मैंने टेप रखा है, इसमें फंस गया है, निकल नहीं रहा है, तो ये प्लायर यूज करता हूँ। उसके बाद एक इससे मैं वायर कटिंग करता हूँ, छिलता हूँ, ठीक है, तो कटिंग का भी काम करता हूँ और वायर छिलने का भी काम इसी से कर लेता हूँ मैं। उसके बाद है दोस्तों, कुछ चाबियाँ हैं जो कि 10, 12, 13 नंबर की हैं, जो कि डिस में लगता है 10, 11, 13, 14 की चाबियां, जो ज़्यादातर 10, 12 की चाबियां लगती हैं, 13, 14 की किसी किसी डिस में लग जाता है, तो ये यूज करता हूं मैं। उसके बाद नोज प्लायर भी यूज करता हूं, कई कई जगह पे नोज प्लायर का भी यूज होता है। और उसके बाद मार्कर पेन यूज करता हूँ मार्किंग करने के लिए, कहीं ड्रिल करो तो मार्किंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक मार्कर पेन भी रखता हूँ मैं। उसके साथ साथ दोस्तों, और भी छोटे छोटे इसमें किट्स हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। और एक टेस्टर यूज करता हूं मैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक काम करने जाते हैं तो टेस्टर की काफ़ी यूज होता है दोस्तों, किसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें भी टेस्टर है, वैसे इसका यूज नहीं करता हूं क्योंकि जो मैंने टपारिया वाला ये परचेज किया था इसी के अंदर टेस्टर भी होता है दोस्तों। ये आपका स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ इसमें टेस्टर भी होता है, इसमें LED लगा होता है और जैसे आप इसे टच करेंगे तो टेस्टिंग का भी काम करता है। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया, उसके बाद ये आपने देख लिया, इसको मैं आप साइड में रखता हूँ। उसके बाद जो यूज करता हूँ हैमर ड्रिल मशीन दोस्तों, जिसको बड़ी मैं सेफ्टी के साथ रखता हूँ। तो ये हैमर ड्रिल मशीन है दोस्तों टाइगर का, और टाइगर का इसे मैंने 1700 रुपये में परचेज किया था, शायद आपके साइड थोड़ा कम या ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन टाइगर का सबसे कम दाम में आपको मिल जाता है हैमर ड्रिल मशीन। तो इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में और ये कैसे बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये टाइगर का ड्रिल मशीन है। उसके साथ साथ इसमें दोस्तों बिट भी है, जो कौन कौन सा बिट मैं लेकर जाता हूँ अपने साथ तो आपको दिखा देता हूँ। ये ड्रिल बिट है दोस्तों 8 नंबर का, 8 mm का, जो कि बहुत काम करता है दोस्तों। उसके साथ साथ है दोस्तों 6 mm का, जो छोटे गिट्टी जब हम इंस्टॉल करते हैं वॉल में तो उसके काम आता है, और जो 8 नंबर वाला होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है डिस सेट करने के लिए। उसके साथ साथ ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला तो बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर 6 नंबर और 8 नंबर का काफ़ी यूज होता है दोस्तों। तो आपने देख लिया हमारा हैमर ड्रिल मशीन का किट। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ होता है दोस्तों वो होता है सैटेलाइट फाइंडर। तो आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट फाइंडर है, DV मीटर, जो कि मैंने परचेज किया था दिल्ली और लाजपत राय मार्केट से।
1700 रुपये में, और आजकल थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो आप चाहे तो आज दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। शॉप नंबर चेत मैं आपको बता दूंगा। तो ये सेटेलाइट फाइंडर मैंने वहाँ से यूज किया है, बहुत ही काम करता है दोस्तों, किसी भी सेटेलाइट को आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, एयरटेल हो, डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, जो भी इस दुनिया का कोई सा भी सेटेलाइट हो, उसको आराम से DTS सेटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं इसमें TP डाल के। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको तो इस चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे TP डालते हैं, पूरा यूज मैंने इसमें बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए दोस्तों एडेप्टर भी चाहिए, तो इसके साथ एडेप्टर भी आया था, तो एडेप्टर भी इसी के साथ रहता है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा, वैसे मैंने वीडियो बना रखा है। उसके साथ दोस्तों जब आप डिश सेट करते हैं तो आपको एक एंगल फाइंडर की ज़रूरत पड़ती है कि किस एंगल पे आपको डिश को रखना है, या आप कहीं कोई काम करें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह कहीं टांग रहे हैं, LED TV टांग रहे हैं, तो LED का एंगल कैसा हो, तो उसके लिए बहुत काम करता है दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं इसका, इसके बारे में मैंने बता रखा है मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, उसका भी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल फाइंडर नहीं है तो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए कोई सा भी, और वो एप्लीकेशन काम करेगा आपका। तो इसके बारे में मैंने दे ही रखा है, आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ मैं इसमें F कनेक्टर रखता हूँ, कहीं आप डिश सेट करने जाते हैं और कनेक्टर वगैरह नहीं होता है, तो इस तरह का मैंने पूरा पैकेट ही खरीद रखा है, 120 रुपये का, 130 रुपये का पैकेट ही पूरा आ जाता है, 100 पीस होते हैं उसके अंदर, अब बहुत काम करता है दोस्तों। तो ये रखता हूँ मैं साथ में, और उसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ रिमोट, कुछ लीड और कुछ LNB रखता हूँ साथ में, एक्स्ट्रा कहीं लगाने के लिए और ख़राब हो गया LNB या लीड रिमोट तो आप वहाँ दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये मैं रखता ही हूँ एक एक पीस एक्स्ट्रा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब होता है, फुल टाइम मैं कहीं और करता हूँ, ये पार्ट टाइम काम है मेरा, तो इतना कम मैं सामान रखता हूँ। उसके साथ साथ एक मल्टीमीटर रखता हूँ मैं, कोई चीज़ ख़राब हो गया तो उससे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मल्टीमीटर है मैस्टेक का है, बहुत अच्छी कंपनी का है, 400-500 रुपये का आराम से मिल जाता है। अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते तो सिंपल सा मल्टीमीटर परचेज कर सकते हैं, जो 100-150 रुपये के बीच में मिल जाता है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है मल्टीमीटर, बिना मल्टीमीटर का कुछ नहीं होता दोस्तों। ये एक सर्विस केबल है, जब आप डिश सेट करेंगे तो ये आपकी छतरी में लगेगा और ये सेटेलाइट फाइंडर में लगेगा। ठीक है, जिससे कि आप सेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ये केबल, इसे सर्विस केबल बोलते हैं, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता बनाने के लिए तो बहुत छोटा सा दोस्तों एक केबल ले लेना है, दोनों साइड जो F कनेक्टर मैंने आपको बताया था, F कनेक्टर को लगा लेना है। ठीक है, तो ये इसका यूज ऐसे है। इसके साथ मैं एक 15 मीटर का केबल का बंडल होता है, RG6, जो DTH से सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है, ये पूरा बंडल है, इसे मैं रखता हूँ। ये देखिए, ये भी आसानी से मिल जाता है, 60-70 रुपये का पूरा बंडल, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों फिर रखते हैं हम इसमें एक आयरन शोल्डर, जो कि 25 वाट का है, इसको मैं रखता ही हूँ साथ में। वैसे मेरा वर्कशॉप अलग है जो मैंने बना रखा है, उसमें मैं सारा सेटअप है, किसी दिन मैं उसका भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों अगर वो भी दिखाऊंगा तो। एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा अपना वर्कशॉप का, कि क्या क्या टूल्स वहाँ रखता हूँ मैं, क्या डिसोल्डिंग पंप, क्या वर्क स्टेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं ये रखता हूँ, इसके साथ कहीं ज़रूरत पड़ जाता है तो, छोटा सा है 25 वाट का, ये रखता हूँ मैं। इसके साथ मैं शोल्डर वायर VC में अटैच करके रखता हूँ, जब ख़त्म हो जाता है फिर भर देता हूँ। उसके साथ दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड रखना पड़ता है ड्रिल करने के लिए, ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, इसमें ये राउंड हो जाता है, इसको आप जितना खींचेंगे उतना खिंचाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, करीब 25 मीटर का है केबल इसके अंदर लपेटा हुआ, ये काफ़ी लंबा, थर्ड फ्लोर तक चला जाता है वायर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं रखना चाहते तो आप वायर रख लीजिए। ठीक है, उसके साथ दोस्तों ये रखता हूँ मैं, हैमर नहीं रखता हूँ मैं, ये रखता हूँ, इससे मैं बहुत अच्छा वर्क कर लेता हूँ। कैसे, कहीं आप फिटिंग करने जाते हैं हाउस वायरिंग, तो जो क्लिप होता है उसको आराम से इससे से ठोक सकते हैं। हैमर से क्या होता है, ऐसे से ठोको तो उंगली पे लग जाता है, और ये होता है बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो ये मैं रखता हूँ, एक बोल्ट है बहुत बड़ा। उसके साथ दोस्तों इसमें कुछ नट बोल्ट रखता हूँ, गिट्टी रखता हूँ, पेच रखता हूँ,
तो ये सब तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही था इस टूल्स बॉक्स में किट। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था हैमर ड्रिल मशीन चलाकर दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये दोस्तों ये देखिए हैमर ड्रिल मशीन, मैं इसको आपको चलाकर दिखाता हूं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक हैमर और सिंपल ड्रिल मशीन का होता है, क्योंकि जो छोटा ड्रिल मशीन आपने देखा होगा उससे आप ड्रिल करते हैं तो आपको बहुत जोर करना पड़ता है, जोर से प्रेस करना पड़ता है तो दीवार में छेद होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, हैमर का ऑप्शन होता है, इसको रोटरी को आप अप कर देते हैं हैमर की तरफ तो ऑटोमेटिक ये झटका मार मार के दीवार में छेद करती है, तो ठीक है। और यहाँ पे जो स्विच होता है दोस्तों, ये स्पीड कंट्रोलर होता है दोस्तों। अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप हल्का हल्का चल रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का चल रहा है। जैसे आप इसको तेज प्रेस करेंगे तो जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड इसका बढ़ेगा, ठीक है। अगर हल्का प्रेस करेंगे, जैसे आप ड्रिल करते हैं हल्का सा वॉल में, तो हल्का सा स्पीड करेंगे ताकि हल्का छेद हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसको पीछे कर देते हैं तो ये हैमर नहीं सिंपल ड्रिल मशीन होता है। इसका आवाज़ देखिए आप, आवाज़ कैसी हल्की आ रही है, हैंग की आवाज़ आ रही है। जब मैं इसको हैमर की तरफ करता हूँ तो आवाज़ देखिए इसका तेज़ खड़खड़ाने की आवाज़ आएगी, देखिए ये पुश कर करके चलता है, ठीक है दोस्तों। और जब आप कहीं ड्रिल कर रहे होते हैं और जैसे कि आप इसको पकड़ना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे एक पुश बटन होता है, इसको प्रेस करके पुश बटन ऐसे दबा देंगे कि ऑटो चलता रहेगा और वापस इसको पुश करके छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हैमर मशीन बहुत ही काम का और सबसे सस्ता ड्रिल हैमर ड्रिल मशीन है टाइगर का, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया अपना टूल्स क्या क्या हमारा है और क्या क्या चीज़ मैं रखता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। और मैं इस वीडियो के लिए चाहता हूँ दोस्तों, इतना मेहनत किया मैंने, कम से कम 500 लाइक तो कर दीजिए इस वीडियो पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।